नई बस्ती ठाठरी की जो 22 पीड़ित फैमिलीज है, जिनको शिफ्ट किया है, जिनको एवैक्यूएट किया है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिस जगह रखा है उस जगह के बाहर अभी हम खड़े हैं। द स्ट्रेट लाइन में मैं सईद बिलाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये वही शेड है, ये वही स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में उन फैमिलीज को रिलोकेट किया गया है, रखा गया है। इस शेड को ठीक से गौर से देखिए। फेब का महीना है और इस महीने में मैं जब देखता हूं तो इस साइड बर्फ पहाड़ पे, इस साइड भी बर्फ पहाड़ पे, और आपने फैमिलीज को एक ऐसे शेड में रखा है जिस शेड में ना तो खिड़की है, ना दरवाजा है, और ना अंदर रहने के लिए कोई जायज इंतजाम है। इस शेड में, जिस शेड को अभी आप देख रहे हो कैमरा में, इस शेड में अभी तक कम से कम 6 फैमिलीज अंदर रह रही है। अंदर किसी कमरे में कोई दरवाजा नहीं है और किसी कमरे में कोई खिड़की नहीं है। आपको इस शेल्टर के अंदर ले चलता हूं। इस शेल्टर के अंदर अभी आप देख सकते हो, देखिए 6 फैमिलीज है जिनको यहां पे रखा गया है। 6 फैमिलीज में मर्द औरतें सारी एक जगह है, और इन फैमिलीज को जहां रखा गया है, इस घर में वॉशरूम की कोई फैसिलिटी नहीं, पीने के पानी की कोई फैसिलिटी नहीं, और रहने के लिए कोई साफ सुथरा इंतजाम नहीं है। मैं चाहूंगा आपको, उसके बाद आपको इसकी डिटेल्स फिर से दूंगा, लेकिन पहले चाहूंगा कि आप जो यहां लोग जो शिफ्ट हुए हैं उनसे जरा सुनिए कि उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफकत। शफकत, मुझे बताएं कि आपको यहाँ पे शिफ्ट किया गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ की जो डीसी साहब है या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने आपके लिए क्या क्या किया है यहाँ पे, और आपको क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे? हम उधर से आए, हमको मकान वहाँ पर बनाया था मुश्किल से। मैं मजदूरी करता हूँ जनाब, बच्चे बच्चे छोटे बच्चे वो इधर उधर हो गए, आप क्या करेंगे? मजदूरी करते हैं क्या करेंगे हम? आप उधर से आए, हम यहाँ पर पहुँचाए, बोलते हैं आप उधर से जाओ तो उधर बैठ जाओ। अच्छा, इस शेड में बैठ जाओ, खाली किया उधर से, बोलता उधर जाओ आप। आपने उनसे पूछा नहीं कि हमें यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं, बैठे कहाँ शुजों? तो उन ये नहीं पूछा आपने कभी उनसे, कोई मिलने नहीं आया इधर? वो आए थे यहाँ पर, आप बोलते लगे देंगे आपको कुछ न कुछ देंगे, कुछ न कुछ देंगे। आपका मकान क्या पूरी तरह से वहाँ खत्म हुआ है? अभी नहीं हुआ, अब वो जो क्लंप ऊपर से वो गिर रहा है, ऊपर से क्रैक हुआ है, क्रैक हो गया वो तो। अच्छा, आपकी फैमिली में कुल कितने मेंबर है, मतलब कितने हो आप फैमिली में, कितने हो आप लोग, मर्द कितने, औरत कितने, औरतें कितनी? पांच। पांच हो? पांच है। तो पांच में कितनी औरतें हैं और मर्द कितने हैं? दो बच्चे हैं। तो मुझे बताएं कि अभी यहाँ पे वॉशरूम का मतलब कुछ इंतजाम है, बाथरूम जहाँ पे पाखाना के लिए कोई इंतजाम है क्या? ना, इधर कुछ बाथरूम है नहीं है, इधर है ही नहीं कुछ। देखिए ये इंतजाम आप खुद देख सकते हो, आपको सुनने की उतनी इनसे जरूरत नहीं है। ये लाइट का इंतजाम है, ये जो रूम है जिसमें ये रहते हैं, और पीछे आपको दिखा दूं कि अभी कोई लाइट भी नहीं है, कि अंधेरा पूरा है, गुप अंधेरा है, और इस अंधेरे में ये फैमिलीज यहाँ पे रह रही है। बाकी आप कमरों के दृश्य देख सकते हो कि इन कमरों में कहीं ना विंडो है, ना कहीं दरवाजा है जिधर हम खड़े हैं, और नीचे टल जाती है कुछ भी। कैसे निकाली आपने वो कल की रात? खड़े खड़े थे। और आगे ये एंड तक यही, और सुनने में ये आया है कि ऑल्दो हमारे पास कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये सुनने में आया है कि ये एनएचपीसी के जो शेड्स है, एनएचपीसी के क्वार्टर्स है।